मैं आपको आपके आशिक का नाम बता सकता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको हिसाब के जरिए आपके लवर, प्रेमी या आशिक का नाम बताने वाला हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। पहला स्टेप, दी गई शीट में आप जिससे प्यार करते हैं या करती हैं या जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, के नाम का पहला हरूफ या लेटर ले लें। जैसे मिसाल के तौर पर आप जिससे प्यार करती हैं उसका नाम इकबाल है, तो इकबाल का आई ले लें। तो आई का नंबर है 19, आप शीट देख सकती हैं। तो शीट में देखें, आई का नंबर 19 है। अब इकबाल के नाम में जो 19 था उसमें आपको 20 जमा करना है। आप के जो प्रेमी हैं उनका जो नाम है, उनका जो पहला लेटर है, उसके जो अदद हैं उसमें आपको 20 जमा करने हैं। तो इकबाल का 19 था, उसमें हमने 20 जमा किए तो 39 हो गया। तीसरा स्टेप, जो जवाब आया इसमें से एक कम करें यानी माइनस करें। तो हमारा जवाब 39 था, आप पीछे देख सकते हैं। तो 39 में से जब एक माइनस किया यानी कम किया, निकाल दिया, तो जवाब आया 38। आपका जो जवाब आया इसको 3 से ज़रब दें यानी मल्टीप्लाई करें। तो हमारा जवाब 38 था, आप पीछे देख सकती हैं। तो 38 को हमें 3 से मल्टीप्लाई यानी ज़रब करना, यानी 3 गुना कर देना है। तो 38 को 3 बार जमा कर लें या मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो जवाब आता है वो 114 है। अब जो आपको पीछे 114 जवाब आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करें यानी डबल कर लें। तो 114 को अगर हम डबल करें या 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो जवाब आया वो आया 228। अब छठा स्टेप यानी रिजल्ट। तो आपका जवाब 228 आया, मतलब आपको जो अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करती हैं, उसका नंबर भी आई से आता है, आप शीट देख सकती हैं। तो बहुत इम्कान है कि आपकी शादी इकबाल से हो जाए। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।